नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और स्पेशल वीडियो में। आपको पता है कि हम संडे को एक नए मेहमान को लेकर आते हैं जिनसे आप इंस्पायर हो पाएं और कुछ सीखने समझने को मिलेगा। और अगर आप YouTube पर वीडियो बनाकर थक चुके हैं तो ये वीडियो जो मैं लेकर आता हूं संडे पर, इसमें ये समझ लो रिचार्ज होती है वीडियो, कि आपको पूरे हफ्ते के लिए चार्ज कर देगी और आपको वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगी। और हाँ, आपको मोटिवेशन के तौर पर इस वीडियो को देखना है। आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि आप पूरे एक हफ्ते चार्ज रहेंगे और नेक्स्ट वीक हम फिर एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारे एक मेहमान हैं, जो कि इनका इंट्रोडक्शन मैं दूं तो वो कम होगा, ये खुद ही बताएगा। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ टेक्निकल प्रभाकर जी का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर इन्वाइट किया और एक मौका दिया अपने ऑडियंस के साथ कुछ शेयर करने का। तो देखिए, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं फाइनली अभी जस्ट मेरा कंप्लीट हुआ है बीटेक, वो भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और ये यूट्यूब पे जो मैं क्रिप्टो एनालिसिस देता हूँ पार्ट टाइम के फॉर्म में, और मेरा दो दो चैनल है, एक जो है टेक्निकल गैजेट्स के रिगार्डिंग और दूसरा मैं क्रिप्टो के रिगार्डिंग। और ज़्यादा मैं एक्टिव रहता हूँ क्रिप्टो के रिगार्डिंग एनालिसिस देता हूँ और जो भी कॉइन्स टोकेंस के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपने यूजर्स को। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। आपने जैसा कि बताया कि आप अभी स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो किस क्लास में है कुछ थोड़ा बहुत अगर बताएं आप अपने पढ़ाई के बारे में। जैसे कि मैं अभी जस्ट अपना बीटेक कंप्लीट किया हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से, जिसको आप शॉर्ट में सीएससी कहते हैं। ओके। और उसी के दौरान मैं अपना यूट्यूब जर्नी भी स्टार्ट किया था, और उस टाइम क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा था लगभग 2018 के आसपास। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था क्रिप्टो के रिगार्डिंग, फिर मैंने सोचा कि आखिर ये क्रिप्टो होता क्या है। तो उसी टाइम मैंने जस्ट, मुझे कुछ पता भी नहीं था, और मैंने एंट्री ली मार्केट में, और उसके बारे में यूट्यूब से, गूगल से, यानी सोशल मीडिया से जो है मैंने अपना जो है थोड़ा डेवलप किया नॉलेज को, और उसके बाद जो मैं इसमें प्रॉपर एंट्री कर गया, और धीरे धीरे एनालिसिस के साथ कुछ सीखने को भी यहाँ मिला, और यहाँ से मैंने कुछ अर्न भी किया। अच्छा अच्छा, अर्निंग आप कर रहे हैं यानी कि। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम करते हैं? अभी तो मेरी स्टडी चल ही रही थी, तो ये मेरा एक पार्ट टाइम के फॉर्म में था, यानी कि मैं पार्ट टाइम में मैं यूट्यूब को करता था और क्रिप्टो एनालिसिस पे भी ध्यान देता था। और तो अच्छा अच्छा, तो अभी जो करंटली टाइम है आपका, अभी आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं या फिर अभी सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं या दोनों काम कर रहे हैं? इस टाइम पर मैं दोनों काम कर रहा हूँ, अपनी स्टडी पर भी फोकस किया हूँ और मैं यूट्यूब पर भी पार्ट टाइम निकाल के अपना जितना होता है मैं उतना यूट्यूब पर भी एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ और कंसिस्टेंसी को बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो अभी जस्ट जिक्र किया आपने कि क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिप्टो मतलब क्या, मेरे को अगर पूछना नहीं पता है कि क्रिप्टो मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे क्रिप्टो मतलब एकदम आसान भाषा में? आसान भाषा में मैं क्रिप्टो को डिफाइन करता हूँ, जैसे कि आप अगर अभी अपने बैंक में जाते हैं तो आपके बैंक में जो आपने कुछ भी कैश डिपॉजिट किया है, क्रेडिट किया, जो भी किया है, तो वहाँ पे देखिए आपका जो कैश है, आप उसको अगर ऑनलाइन चेक करते तो वो क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मनी को शो करता है। तो वो ओरिजिनली में कैश आपका है नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक मनी को शो कर रहा है। तो उसी तरह क्रिप्टो में क्या है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है और ये एक जो है वॉलेट के फॉर्म में काम कर रहा है। जैसे कि आप अपने कैश को यूज कर सकते हैं, उसी तरह आने वाले टाइम में, अभी भी बहुत जगह क्रिप्टो यूज भी हो रहा है और अभी आने वाले टाइम में ये जैसे कि आपका वॉलेट जो भी काम करता है, या जैसे ATM से आप कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं या उसके बदले में कुछ सामान भी ले रहे हैं आप जहाँ जैसे स्वाइप करके, तो उसी तरह से आने वाले टाइम में आपको क्रिप्टो का भी एक कार्ड मिल जाएगा। तो उस कार्ड से जो है बहुत सारा प्रोजेक्ट NFT के रिगार्डिंग है, जिसको नॉन फंजिबल टोकन कहते हैं, उस पर वर्क भी चल रहा है। और उससे जैसे कि आप कहीं शॉपिंग करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो आप उस क्रिप्टो वॉलेट से भी पेमेंट करके कर सकते हैं, यानी कि एक मुद्रा का जो है बेस बनाया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी, और इसको एक डिजिटल करेंसी भी हम लोग कहते हैं अभी के टाइम में। मतलब कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि क्रिप्टो मतलब ये कि वो आपको दिखेगा, आप उसे टच नहीं कर सकते हो और आप उसे ऑनलाइन ही खरीद कर ऑनलाइन ही बेच सकते हो, राइट? ये चीज है। तो अब जैसे मान लो क्रिप्टो का मतलब ये हो गया कि भैया वो फिजिकली नहीं है, वो हाथ में हमारे नहीं आएगा, डिजिटली है सब कुछ। तो क्रिप्टो करेंसी अगर मुझे खरीदनी हो, मेरे ऑडियंस को जानना हो और खरीदना हो कि कैसे खरीदेंगे क्रिप्टो करेंसी? अगर क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं जैसे जो भी यूजर्स हैं, तो उनको सबसे पहले एक वॉलेट एड्रेस जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने पैसे को कहाँ रखें, वॉलेट एड्रेस मतलब क्या? वॉलेट जैसे कि आप कहीं भी, अभी मान लीजिए आप एक अकाउंट खुला रहे हैं, तो अकाउंट क्यों खुला रहे हैं? ताकि वहाँ आप अपने पैसे को रख सके, स्टोर कर सके, जैसे कि बैंक में। तो उसी तरह से जो है क्रिप्टो को भी आप बाय कीजिएगा तो उसको भी रखने के लिए कोई स्पेस चाहिए,
जैसे स्टॉक मार्केट में अभी डीमेट अकाउंट होता है हमारा स्टोरेज, उसी तरह यहाँ जो है क्रिप्टो में वॉलेट एड्रेस होता है, आपका वॉलेट कहाँ पे आप अपने क्रिप्टो को रख सकते हैं, वहाँ भी एक अकाउंट क्रिएट होता है जिसको वॉलेट अकाउंट या वॉलेट एड्रेस के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके ओके ओके, तो क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई इसका ऐप भी है या फिर वेबसाइट है, क्या है जरा बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में। जो है इंडियन मार्केट में मल्टीपल ऐप्स हैं, सबसे पहले देखेंगे एक वजीडेक्स आपको मिल जाएगा, कॉइन डीसीएक्स मिल जाएगा आपको, कॉइन स्विच कुबेर मिल जाएगा आपको, बाइनेंस मिल जाएगा आपको, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ पर जो है क्रिप्टो वॉलेट क्रिप्टो अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ पर वॉलेट एड्रेस आप बना सकते हैं अपना और वहाँ पर आप अपने क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हैं जो भी आप बाइंग कीजिएगा। ओके ओके, तो ये बताओ मुझे कि क्रिप्टो पर आप कैसे कौन से ऐप का यूज करते हैं और कैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, क्या देखकर आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं कि अब मैं ये करूंगा तभी बेनिफिट आएगा, और कितना परसेंट चांस होता है रिस्क का? देखिए अभी करंट टाइम में जैसा कि आपने पूछा कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, मैं वजीडेक्स का, कॉइन स्विच का और बाइनेंस का तीनों प्लेटफॉर्म यूज कर करंट टाइम में मैं तीनों प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूँ। तो देखिए अब इसमें रिस्क की जहाँ तक बात रही, सबसे पहले देखिए ये रिस्क और रिवार्ड का गेम है। अब क्रिप्टो करेंसी मार्केट अभी बहुत सारा रेगुलेशन भी आया, बहुत सारा न्यूजेस आया कि जैसे कि बैन हो जाएगा, और क्रिप्टो में भारी गिरावट भी आई मार्केट में, लेकिन बैन हुआ नहीं, थोड़ा रेगुलेशन इस पर लाया गया। तो रेगुलेशन तो देखिए रेगुलेशन जरूरी था, अगर ये किसी के अंडर में नहीं है, क्रिप्टो का मतलब सिंपल है इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी ये क्रिप्टो किसी के अंदर नहीं आता है ना कोई। तो इसी कंडीशन में जो होता है मेन। ओके, तो जैसे आप बता रहे हो क्रिप्टो, तो क्या क्रिप्टो पर पैसा अगर लगाया जाए तो सही है या फिर गलत है, गड़बड़ हो सकता है, ज्यादा इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? सबसे पहले इन्वेस्ट करने की जहां तक बात आती है तो आपको अपने रिस्क को देख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है, इसका फ्यूचर है, ये तो करंट एकदम पूरा सिनारियो है कि इसका फ्यूचर तो कंफर्म है। तो गवर्नमेंट कुछ रूल रेगुलेशंस लाई, यानी कि जैसे कि आप कोई भी इनकम कुछ भी जनरेट करते हो आपको उसके बदले में टैक्स देना पड़ता है। तो क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा था, यहाँ जो भी मतलब ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे, जो भी प्रॉफिट हो रहा था, गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा था इसके बदले में, इसीलिए अभी हाल फिलहाल में रेगुलेशन लाया गया, उसमें जो है किया गया कि 1% TDS और बाकी का जो है जैसे 30% का टैक्स लगता है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो रेगुलेशन आ गया, इसका मतलब तो क्या आप चलो ये तो बात आपकी एकदम ठीक है, और दूसरी बात ये है कि क्रिप्टो में मिनिमम कितना रुपया हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम कम से कम? देखिए आप एक नए यूजर हैं, सबसे पहले यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका जो है सबका अपना अपना मतलब मैनेजमेंट होगा कि वो कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकता है। अगर आप एक नए यूजर हैं मैं तो कहूँगा आप ह्यूज मनी को बिल्कुल यहाँ मत लेके आइए। सबसे पहले आपको अगर अपना स्टार्ट करना है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, यानी आपका जैसी कैपेसिटी है उस हिसाब से सबसे पहले आप स्टार्ट करें अपना, उसके बाद इसको सीखें। सबसे पहले देखिए एनालिसिस, एक एनालिसिस नाम की चीज़ होती है, टेक्निकल एनालिसिस कैंडल के फॉर्म में रहती है, आपको सीखना पड़ेगा तब जाके आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज जो देखिए आपके साथ एक रीजन हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपको कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, आप इन्वेस्ट करें मार्केट वहाँ से डाउन हो रहा है, आपका लॉसेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इसीलिए इतना ही मनी को आप इन्वेस्ट कीजिए जितना कि आपको कोई फर्क ना पड़े अगर आपने लॉस भी कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा पहले आप इसकी, अच्छा ये बताओ, एकदम आपकी बात एकदम ठीक है, ये बताओ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं जानने की इच्छा भी रखता हूँ कि क्रिप्टो के अलावा आप और आपका इनकम सोर्स क्या है? देखिए क्रिप्टो के अलावा अभी मैं अपने यूट्यूब पे भी वर्क कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं अभी मेरी स्टडी चल रही है एक और फॉर्म पे, अगर कुछ टाइम आता है जैसे ही मैं उस पर अगर आप सक्सेस पा लेता हूँ तो मैं जरूर से अगेन से आपके चैनल पे आऊँगा, तो उसके बारे में भी पूरा फिर से होगा हमारा पॉडकास्ट एक। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। लास्ट में एक क्वेश्चन, कितनी अर्निंग होती है और ये अर्निंग जो मेरे जितने भी दोस्त देखेंगे या सुनेंगे उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो आप टोटल कितनी अर्निंग करते हैं? देखिए सबसे पहले क्रिप्टो से मैं बता दूं, देखिए क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे अर्निंग आपकी कोई फिक्स नहीं है, आपके अमाउंट पे डिपेंड करेगा और आपने जो भी एनालिसिस लगाई है वो कितना रिटर्न। अगर मैं एक मोटा माटी पूछूं आपसे कि मतलब इतना तो हो ही जाता है, न कम न ज्यादा, बीच में एक जैसे मान लो कोई कहता है 1,00,000 हो रही है, कोई कहता है 50,000, तो न 1,00,000 न 50,000, बीच में कितना होता है, मैं वो जानना चाहता हूँ, आप कितना कमा लेते हैं? देखिए अभी मैं महीने का पार्ट टाइम के फॉर्म में मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरा महीने का समझ जाइए 15,000 से 20,000 के बीच में मैं यहाँ से इनकम जनरेट कर पाता हूँ, क्रिप्टो यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा, महीने का 15,000 से 20,000 रुपए जनरेट कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर डे कितना घंटे आप इस पर वर्क करते हैं, कितना घंटे टाइम देते हैं आप? मुश्किल से 2 से इन सभी कामों को मिला के 2 से 3 घंटे पर डे का देते हैं, मतलब कि महीने का 90 घंटे आप देते हैं,
ठीक है, और आपको 15 से 20 हजार रुपए मिल रहा है, हाँ। जो कि ये एक ह्यूज अमाउंट है एज ए स्टूडेंट के लिए। घर का खर्चा पूरा अपना, मतलब अपना खर्चा पूरा चला सकते हो, घर से खर्चे लेने की जरूरत नहीं है, हाँ। चाहे आप जहां पर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो मतलब इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है आप, हाँ। राइट। तो दोस्तों यहां पर आपको ये एक बात तो सीखने को मिली है कि आप अगर किसी भी काम को करते हैं और करते ही रहते हैं, तो निरंतर करने से जरूर एक ना एक दिन सफलता मिलती है। और इसी लक्ष्य के साथ हम खुद जुड़े हुए हैं और करते हैं काम कि पर डे कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आए, कुछ अच्छी चीजें लेकर आए। और क्रिप्टो करेंसी आने वाले फ्यूचर में जो कि भविष्य है ये सभी के लिए, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको अगर जानना है तो इनके चैनल पर जाओ। इनके चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से देख लेना। और चैनल पर जाने के बाद आपको डेफिनेटली इतना बता दूं कि बहुत से चैनल आपने देखे होंगे जिस पर व्यूज आते हैं, और बहुत से ऐसे चैनल होते हैं जिस पर व्यूज कम आते हैं या फिर अभी उन्होंने स्टार्ट किया है। जिस पर कम व्यूज आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटेंट अच्छा नहीं बनाते हैं, कंटेंट अच्छा बनाते हैं लेकिन व्यूज धीरे धीरे आते हैं उनके चैनल पर। तो मेरा आपसे यही सजेशन है और रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल पर जाना, एक बार वीडियो देखना, और वीडियो अच्छी लगेगी इस बात की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं, और कमेंट भी जाकर वहां करना कि वीडियो अच्छी लगी है। तो क्रिप्टो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए, और आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, बेस्ट विशेष हैं आपको। आप भविष्य में जो कुछ भी करना चाहते हैं भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। बहुत बहुत धन्यवाद टेक्निकल प्रभाकर जी, जो कि आपने मुझे एक ऐसा मौका दिया, अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर पाया और मैं आपके ऑडियंस के साथ भी शेयर कर पाया। अगर आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्टेड हैं तो आप आ सकते हैं, आने वाले टाइम में आप अच्छा खासा यहाँ से कुछ ना कुछ कर सकते हैं।